स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, सत्संग मानव का मंदिर, होशियारपुर, हजूर पुर नूर, परम दाता परम दयाल जी महाराज के प्रवचन, इतवार के दिन तारीख 22 मई 70। राधा स्वामी और अगर सच पूछो, मैं जानता हुआ साधु जाता कुदरत के राज का क्या बताऊं। मारे आजे वो आगे आगे जब माना पड़ रहा गुरु बोलती है माफ करने की बात, राजा जाएगा अपना वाक्य मुसलमान कम यहां का मेरे खाद को पैदा मेरा बच्चा तुम आ रहा उसे कुलों का तेज आगे धूप में लेगा। तो ऐसे खेल हैं जिसका पता नहीं चलता। इस वास्ते मैं तंग आ गया, मेरा हमारे क्या है राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, सत्संग मानता मंदिर होशियारपुर, परम दाता परम दयाल जी महाराज के प्रवचन, इतवार के दिन तारीख 22 मई 70। इतना ही काफी है, मैंने बहुत से आप लोगों को कह दिया, बिल्कुल। बाकी ये रह गया, मैं एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूं। जब तुम लोग अपने ख्याल की ताकत से मुझे बना के मेरे पास से काम ले लेते हो, तुम्हारे मन चलायो खट दर्शन पा।
उन्होंने ये संत मत मुझको दिया। संत क्या था? इतिहास शिक्षा को सुनूंगा, अपना अन्य जो होगा कह जाऊंगा। दाता ने कहा था जो राष्ट्रों ने जितना ये साइन मर जाए। अब सोचने वाले तुम आप ही सोचो। कबीर कहता है कलयुग के गुरुओं ने पखंड जगाया हुआ है। दाता दाय का शब्द है, वो कहते हैं गुरु का रूप देखा, इसके मतलब गुरु के रूप के मतलब तुमने सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। मैं आपको सत्संग नहीं कराता, अपनी ही आत्मा से पूछता। ये पहेलिया संतों ने बुझा दी। तू बता दीजिए, कुछ लोग मरेगा तो झूठ बोलेगा। तुम तूने गुरु के रूप के दर्शन किए, या तू गुरुवाई करता है, तू सरपंच से नहीं बताता, ये सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं। मैं नहीं, कोई सरपंच नहीं बताया। जो कुछ मेरे तजर्बे में आया, अनुभव में आया, मैंने स्पष्ट रूप से जान कर दिया। अब वो जिस गुरु को दर्शन दाता जाय कहते हैं, क्या वो ठीक है? अच्छा, मैं दूसरों को यकीन न करा सकूं, मैं दूसरों को यकीन न करा सकू, मुझे दर्शन करे अपनी आत्मा से पूछता हूँ। क्यों
ये ठीक है जो कुछ कहते हैं, लिखा गुरु का रूप ऐसा है, हाँ ये ठीक है। इसके ठीक होने का सबूत मेरे पास क्या है? मेरे जीवन का अपना अनुभव। जब से मुझे पता लगा कि मेरा रूप तुम लोगों के अंदर प्रकट हो गया मगर मैं नहीं, जब से मुझे ये पता लगा कि मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है मगर मैं नहीं, क्योंकि मैं ये साफ बयान नहीं करता हूं कि मैं नहीं होता है, इसलिए मैं सरपंच ही नहीं होता। कबीर कैसा करो, कबीर कैसा हो जाए मुश्किल में गुरु बड़े सरपंची, डारठ गौरी सब जग मारा, वेदक देव दो फल सारा। अब देखो क्या कबीर ने जो कुछ कहा गलत है, ये स्वर है। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी तकदीर स्वराज के सूत्र में मुझे संत मत में ले आएगा, ये बाणी सोना करता था। तबीयत चौराती प्रार्थना किए करता था, हे मालिक मैं तेरे मिलने के लिए निकला था, मैं कहाँ फंस गया? दाता पर से विश्वास टूटा नहीं, ये बाणियां मुझे समझ नहीं देती, अब ये समझ देते। सरपंच जी कैसे हैं तुम देखो, या किसी महात्मा ने आज दिन तक ये कहा है पब्लिक के लिए कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता? प्यास देखो, आगरा देखो, गुरु देखो, सब ये कहते हम करते इशारा करते, और मेरे चरण में आया तो मैं कहीं नहीं जाता बिल्कुल, मुझे नहीं पता होता। हजारों आदमी मेरा ध्यान करते हैं, उनके काम बन जाते, मुझे कोई पता नहीं होता, इसलिए मैं सरपंच ही नहीं हूँ। सरपंच कहते हैं पखंड करने वाले, धोखा करने वाले, प्रेम करने वाले। जब से ये सरपंच मैंने छोड़ दिया तो मैं तो राम को मिलने नहीं गया था, मेरा यही कौन है? मालिक कहा है? दाता ने कहा था अपने अंतर चल, अंतर चलता हूं। पहले तो शुक्रें आती थी, मैंने कितने विष्णु महाराज के दर्शन होते, शिवजी महाराज के होते, ब्रह्मा के होते, किसी मैं चनाशनी था वो लाया करते थे, फिर रामकृष्ण के दर्शन होने लगे, फिर दाता जान के दर्शन होने लगे। जब तुम लोगों से पता लगा कि मेरा रूप दाता मैं तो होता ही हूँ, तो फिर मैं उस बालक सुन में निकला, आगे है प्रकाश रोक और सब। इस रोशनी में जब मैं जाता हूँ और प्रकाश में जाता हूँ तो उस चीज की तलाश करता हूँ जो प्रकाश को देखती है और शब्द को पसंद की है, वो जो चीज है उसका अंत नहीं है। ये क्या न मैं उसको प्रकाश कह सकता हूँ, न उसे शब्द कह सकता हूँ, और न ज्ञान है वो। जब वहां चला जाता हूँ सब कुछ खत्म हो जाता है, न मैं न तू न गुरु न चेला, उसी का इशारा दादा दाल ने किया है कि गुरु का रूप देखा। कौन वो गुरु कौन है? वो मेरा रूप, मेरे
अपने आप की वो अवस्था है जो प्रकाश मैया के प्रकाश से दूर किया चौदह मैया के सबक से समझी वो है गुरु का रूप जो मैंने देखा। हो सकता है दाता दास का कोई और मतलब हो। इन कबीर पंथी ने या सनातन इन्होंने राधा स्वामियों का कि कोई और गुरु के दर्शन हुए मगर मैं मानने के लिए मजबूर हूँ। वो कहते हैं अकह अपार अगाध अनामी वो गुरु के रूप में आया उसने अपना पेट बताया क्या कि भाई तुम अकह अपार अगाध अनामी अवस्था से आए हो और जहाँ फंसे हुए हो मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ तुमको चेतावनी देता हूँ कि तुम वहाँ चले जाओ। ऐसी ऐसी बातें संत मत में कहती हूँ तो मैं उस बात को बिल्कुल ठीक मानता हूँ। पर वो गुरु का रूप देखा 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 अजन वो तेरे रूप गुरु का गुरु की दया से देखा। बाहरे गुरु की दया से असली गुरु के रूप का पता लगा वो गुरु का रूप क्या है तुम्हारा अपना ही आपा जो तुम्हारे अंतर में ठहर कर सब चीज का साक्षी है। तुम देखो जागते हो तुम हो सब कुछ देखते हो। जागना आंखें बंद कर लो सपने में जो कुछ देखोगे सपना खत्म हो जाएगा मगर तुम रहोगे। तुम प्रकाश देखते हो प्रकाश खत्म हो जाएगा मगर तुम रहोगे। शब्द सुनते हो शब्द खत्म हो जाएगा तुम रहोगे। वो जो तुम्हारा अपना आपा है वो है गुरु का रूप। बाहर के गुरु की यह ड्यूटी है तुमको वो रूप बता दे। मुझे नहीं उस रूप की समझ आती। मैंने दादा से बड़ा प्रेम किया सेवा की देखना चाहता था कि इन संतों के पास क्या नई चीज है जो ये दुनिया को बताते हैं। ये एक सवाल है जो मैं देखना चाहता था आपने मांगे कि दुनिया को ये नई चीज क्या बताते हैं। सबका इन्होंने खंडन किया कि मैं ब्राह्मण की हैसियत इस खंडन को बर्दाश्त नहीं कर सकता मगर तू तो मेरा विश्वास बैठ गया था दाता पर जो विश्वास टूटा नहीं तो मैं इस रस्ते पर चला। अब मैं उस नतीजे पर पहुंचा कि जो कुछ कबीर ने कहा है या साथ दाता ने कहा अब इसमें कोई चीज नहीं। वो जो असली चीज है गुरु का रूप वो है और वो तुम्हारी अपनी ही जात है मगर तुमको उस चीज की जरूरत है। जब मुझे हम इंसान जो है हम दुनिया की आशाओं में व्यस्त हैं। हम चाहते हैं हमारा पुत्र हो जाए हम चाहते हैं हमारा ये हो जाए हम चाहते हैं हमारा ये हो जाए। ये तो जितनी चीजें हैं सब की सब नाशमान है इसके सिवा और कुछ नहीं। तो वो जो अवस्था है पड़ोस को देखा 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 अग में वो चरे रूप गुरु का गुरु की दया से देखा। वो रूप कौन किसका है बाहर के महर्षि जी का है वो अंतर में जो नजर आता है वो क्या बाहर का कोई आता है। ये तो मैंने तुमको साबित कर दिया कि कोई बाहर का राम कोई बाहर का कृष्ण कोई देवी कोई देवता बाहर से तुम्हारे अंदर नहीं आता। जो कुछ तुमने सुना हुआ है समझा हुआ है विश्वास किया हुआ है संस्कार मिला हुआ है वो तुम्हारे अंदर रूप धर के आता है। और हम इसी चक्कर में आगे फंस गए और इन गुरुओं ने इन मधु वालों ने इन पंथ वालों ने सच्चाई न्याय बयान करके प्रपंच रचा करके हमको अपने जाल में फंसाया। देवी वाली अपनी तरफ फेंकते हैं
विष्णु वाली अपनी तरफ फेंकते हैं, शिवजी महाराज कहते हैं शिव जी पूजा करो, तीसरा कहता है ये करो, चौथा कहता है ये, कितने पंथ हैं, कितने मतलब हैं। मैं संत मत का अगर पक्ष करूं तो मैं कोई योग्य नहीं, मैं संत मत का पक्ष नहीं करता, मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे की बिना पर कह रहा हूं कि जब मैं जिंदा फकीर चंद हुशियारपुर में बैठा हुआ, किसी के अंतर नहीं जाता, ना अमेरिका ना और लोगों के अंतर मेरा रूप प्रकट होता है, उनके काम कर जाता है, मैं नहीं जाता, सिर्फ इस एक बात ने मुझको यकीन कराया कि जो कुछ कबीर ने कहा है कि कली के गुरु सभी पर पंची पाखंडी। हम अच्छा अगर कोई सच्ची बात अगर बता दिया जाए तो दुख का तना मानेंगे, तुम सच्चाई को सुनने के लिए आते हो, तुम लोग सच्चाई को सुनने के लिए नहीं आते। हम गृहस्थियों पर तो दुनिया की आशाएं पड़ी हुई हैं, लड़की की शादी नहीं हुई, पुत्र का ब्याह नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं ये प्रण किया था पुरुषोत्तम दास कि मैं कह जाऊंगा, अब मैं ब्राह्मण की हैसियत में सोचता हूं तू किस बात क्या सबूत है तेरे पास जो तुझे साबित करता है कबीर ने जो कुछ कहा है वो ठीक है। मेरे पास यही सबूत है कि मैं हुशियारपुर में बैठा हुआ हजार हाँ आदमी मेरा ध्यान करते हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाता, उनकी अपने एक मन की कामनाओं से, अपने ही विश्वास से, अपनी श्रद्धा से मेरा रूप प्रकट होता है, उनके काम कर जाता है, मरते समय ले जाता है, मनते मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब तुम आप सोचो मेरे गुरु, आप कल मेरी एक गुरु आई हुई थी मेघराज जी, बहुत मेघराज की स्त्री जो उसकी परजाई है कपूर, उसने गाय जब फेंस ली दूध नहीं देती, तंग हुई, तो कह दिया बाबा मैंने तुमको याद किया, ये कह दिया बाबा आ गया, गाय के पास खड़ा हो गया, जब फेंस ली मुझे याद नहीं, पीठ पर छापी चोला कुरिए दूध, उसने दूध चो लिया। मेघराज बैठा हुआ जहाँ नहीं है, मैं वो कुछ कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ ना है? अच्छा अब फिर वो दूध चो लिया, उन्होंने फिर क्या किया, मक्खन घी दूध लस्सी वहां से मुझे जहां से। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, कोई बेहजा बुढ़े मर जाएगा, तू गया था वहां दाखिल हुआ था, तू गया था, मैं नहीं गया, न मुझे पता तो ये क्या थे? इंसान तेरा अपना ही विचार, तेरी अपनी ही श्रद्धा, तेरी अब मैं जानता हूं कि मैं साथ जाने के मंदिर की चलो में कुहाड़ी मारता हूं, इस साथ जाने के मुझे कौन पैसा देगा, कौन देगा मुझे पैसा, उसने तो दूध दही और मक्खन इसलिए भेजा कि मैंने गाय के पीछे खड़े होकर उसको सब छपाया, इसने मुझको देखा और इसने गाँ चोरी, अगर मैं वो मक्खन वो दूध और वो खा जाऊं तो मैं कुछ ही हो तो मरूंगा कि नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं तो गया नहीं, क्या काम है। मैंने अगर वही काम करना होता जो दूसरे गुरु करते हैं तो मैं नई दुकान न खोलता, मैं आया ही संसार में इसी वास्ते हूँ
ये सच्चाई को जानकर जाएं, ताकि ये मदद वाले पंथ वाले हम व्यक्तियों को बेवकूफ बनाकर लूटे नहीं। तुम देखो वो लुट गई है, लुट गई। मैं तो गया नहीं, मुझे तो पता नहीं। ऐसे ही बैठ जाओ, ऐसे ही गुरु अभी तुम कभी कबीर ने ठीक कहा है, पर को कबीर ने क्या कहा है, मैंने आपसे जरूर दे दिया। कैसे परपंची हैं? क्यों मैं कबीर के साथ सहमत हो रहा हूँ? मजबूरी है, मेरे जीवन का तजर्बा। कोई महात्मा, कोई गुरु आप बताओ, इलाकों में कोई जो बातें तुमको बताता है, मगर तुम वहां सिर मनाते हो जहां तुमको धोखा दिया जाता है, वहां तुम उन गुरुओं की गुड्डी खिलाते हो और ठंडी देते हो, लुटते भी हो और बेवकूफ भी हो हमको बनाते हैं। हमको ये गुरु लोग बेवकूफ भी बनाते हैं, मध वाले, मत मतांतर वाले, सच्चा कोई बात नहीं बताता और हम सच्चाई सुनने के लिए तैयार हैं। देख लो पर कम शरीर क्या कहता है, हाँ। गुरु बड़े पर दारथ गारी ये। सब जग मारा वेद कतेव दो फांद पसारा। कोई ये सच्ची बात नहीं, कोई कहता है वेदों के पीछे जाओ, कोई कहता है प्राण के पीछे जाओ, कोई कहता है साई मदद मत के पीछे जाओ, कोई कहता है ईसाई बनो, कोई कहता है राधा स्वामी बनो, कोई कहता है कुछ बनो। मैं तुमको कहता हूँ, जब तक तुम कुछ बनते रहोगे तुम मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। जब तक तुम कुछ बनते रहोगे तुम मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। क्या कहा मैंने? बाकी रह गया ये जो कुछ किसी को मिलता है, ये उसका विश्वास है, उसका अपना कर्म है। लोग मेरी इज्जत करते हैं, मान करते हैं। मैं सोचता हूँ मैं मान का मुझ तक हूँ, मेरे कर्म हैं पिछले जन्म के या गुरु की दया, मुझे जस मिलना था मिल गया, मैं तो ना कुछ करता हूँ ना चलाता हूँ। अब इंद्रायन दास की माँ ने अपने चांदी के गहने सारे तोड़वा करके झंडा बनाया, तो कह दिया बाबे को झंडा चढ़ाने। कम से कम 5-6 रुपए का माल होगा, मैं तो देखा है। अगर मैं उस झंडे को ले लूं और अपनी जात में बरतूं, मैं मुजरिम हूं कि नहीं? कहां जाऊंगा? मेरा कोई ठिकाना है? इस वास्ते मैं किसी अज्ञानी जीव का कुछ नहीं देता। समझदार समझ मंदिर में जो आपकी मर्जी दे जाओ, मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं आप लोगों की आंखों में मिट्टियां डालकर पर पंच जगाकर, हाँ मैं जाता हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। अगर मैं इस तरीके से तुम लोगों को पैसे देता हूँ, तुमको लूटता हूँ, मैं तो मुजरिम हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? बताओ मुझे। चलो आगे इससे, जब तक कोई बंदी छोड़ भूल तुमको नहीं मिलेगा, वो तुमको इससे इन चक्कर से छुड़ा नहीं सकता। अब मैं सोचता हूँ नहीं जाऊँ, सच बताओ टूट गया तेरे पंच टूट गया। बस सवाल है दास, तुम मेरा मित्र है, मैं अपनी आत्मा से पूछू क्या तू इस बंद के लिए छूट दे? अगर बंद छूट गए तो तुमको क्या मिला? मुझे ये मिला, जब मैं अकेला होता हूं
तो मेरी जो अपना आपा है एक ऐसी अवस्था में चला जाता है, एक ऐसी हालत विकसित हो जाती है, दिमागी मेरी हालत ऐसी हो जाती है जहाँ ना मैं किसी को पूछता हूँ और ना पुजवाता हूँ, ना मेरे दिमाग के अंदर गुरु रहता है, ना चेला रहता है, ना बाप रहता है, ना भाई रहता है, ना राम रहता है, सब कुछ भूल जाता है। एक अवस्था मेरे दिमाग में आ जाती है, ये आजकल मेरे अभ्यास से आ जाता है। तो जब मैं वहाँ होता हूँ बंद अपने आप कर दे, गुरु का बंधन भी कट गया, रब का बंधन भी कट गया, भाई भतीजों का बंधन भी कट गया, नौकरी चाकरी भीड़ का बंधन भी कट गया, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर ये चीजें रहती नहीं ना। जब मैं वहां चला जाता हूँ तो मुझे मेरे दिमाग में ना तो भीड़ का ख्याल है, ना रब का ख्याल है, ना गुरु का ख्याल है, ना पर्ची का ख्याल है, ना योग का ख्याल है, क्योंकि मैं उन्मन अवस्था ऐसा उनकी पागल बन जा रहा दुनिया के हिसाब से वहां चला जाता हूं। तो मैं वहां चला जाता हूं तो उस मेरे कोई बदले नहीं, उस वक्त मेरा कोई बंधन नहीं। आप सोचो हूँ नहीं ना, इसलिए मैं संत मत को मजबूरन सच मानता हूँ। मगर जहाँ मैं बोलता हूँ आप कैसे देखते हैं, ये संत मत सिर्फ उनके लिए है जिनको ये ज्ञान हो चुका है कि इस दुनिया में सुख नहीं है और जन्म मरण से जो बचना चाहते हैं, सिर्फ ये संत मत उनके लिए है, आम पब्लिक के लिए नहीं। दूसरे संत मत इस तालीम की क्या जरूरत मैंने महसूस की है, क्यों मैं खोल रहा हूं? हम उस ईश्वर के नाम पर बट गए, उस ईश्वर के नाम पर, खुदा के नाम पर, मालिक के नाम पर इंसान बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ? कोई सिख है, कोई मुसलमान है, कोई आर्य समाजी है, कोई सनातन, हमारे आपस में झगड़े होते हैं, दुश्मनियां पड़ती हैं। मेरी समझ में यह आया है कि संतों ने इस राज को इसलिए खोला ताकि हमारी इस दुनिया में मजहबी तौर पर जो हम एक दूसरे के अपने आप को अलग समझते हैं, ये हमारी अलहदगी दूर हो जाए और हम मजहबी तौर से इत्तेफाक से इंसान बन के लिए। मैंने ये समझा, वरना इस तालीम की दुनिया को कोई जरूरत नहीं। अब मैं सोचता हूँ ना कि मैं वहां रहता हूँ, मैं आज कल सोचना क्या मिल गया वकील चंद को, यही मिला दिमाग के अंदर से दुनिया जा रही है, दिमाग के अंदर से ये मेरा मुझे जा रही है। और इसकी जरूरत किसको है जो ये समझता है कि मैं इस दुनिया में रहकर दुखी हूँ, इस दुनिया में जन्म लेना पाप है, उनके लिए संत मत है। ये आम दुनिया के लिए तालीम कबीर की इसकी नहीं, आम दुनिया के लिए तालीम यही है, ऐ बंदे तुमको जो कुछ मिलना है तेरे अपने ही ख्याल का नतीजा है, तेरे अपने ही मन का नतीजा। अब उस मेघनाथ की और उसको मैं तो गया नहीं, वो जो फकीर जन उसने बनाया और उसने थापा दिया वो कौन था? वो उसका अपना ही मन था, मैं नहीं। अब ये मुझे कहते हैं वहां चलो प्रयाग बुलाओ, बुलाओ एक तो वही 50 बुलाओ। अब मैं अगर ये बात सच्चाई नहीं तुम लोगों को बयान करता तो मैं तो प्रपंची हूँ, मैं तो धोखेबाज हूँ, इस वास्ते कबीर ने ठीक कहा। पर वो इसको क्या है, यह कली गुरु बड़े परपंची, यह कली गुरु बड़े परपंची, डार थे गौरी सब जग मारा, डार थे गौरी सब जग मारा, देखते विदो पंडित सारा, देखते विदो पंडित सारा, ते फंदे पर आप विचारा, कबीर ते
सुनावनारा दाता दिया उन्होंने मैनू कम दिता जी और क्या जी तैनू सच्चा सतगुरु सत्संगियां दे रूप च मिलेगा जेड़ा तेरा बेड़ा पार करेगा तेरे मन में ऐब हो सकते हैं मगर एक सिखाई है शायद तू आप दिता जाए हो ना निकार जाए तो हूं मैं मेघना दूसो कि अपना गुरु ना मना तो कुछ नहीं मना तुम मैं दसो लोग गल सुन के मेरिया अखा खुलिया मैनू ज्ञान होया मैनू अनुभव होया ओहो असली गल की है तो अगर मैं थानू गुरु मन के नमस्कार करना तो मैं कोई पाप तो नहीं करता अगर मैं थानू थी इज्जत गुरु मन के नहीं करता तो मैं मुजरम हाँ क्योंकि मैं ज्ञान थोड़े को हासिल किया दया दादा ज्ञान लिया मगर जेड़ा ज्ञान मैं तुम कहना थानू इस ज्ञान की लोड़ है मैनू लोग जी तो तुझी लोग मेरे सतगुरु साबित हुए जिन्होंने मेरे बन कटा के बन चुरा देते क्योंकि दादा ने मैंने क्या कि तालीम बदल जाए इसलिए मैं सच्चाई जाहिर कर रहा और गृहस्थियों को कहना इन्हों ठगा गुरुओं को लोग बचो अपनी जायदाद चुप चुप के इन्हू ना दो इन्हों के प्रबंध में जागे सारी अखा च मिट्टिया पागे सारी मिट्टिया है सू बेवकूफ बनाया इन्होंने कीता कीता ना मेरी तो अखा खुल गई हैरान हूं मैं तो बात क्या थी मैं क्या समझता था आगे नरे को नहीं परते तुम्हारी झूठा बनेंगे कियो झूठा तो पूंजी कवन मिलहारी कबीर ने ठीक कहा कि आप लोगों को कहते मेरी मुझ पर कोई प्रतीक नहीं करता यकीन नहीं करता मैं भी तो कसमें खाता हूँ लड़के की कसम खाता हूँ शीर की कसम खाता हूँ गुरु कसम खाता हूँ मैं नहीं जाता सब लोगों को विश्वास लगा आने थोड़ा और भी छोड़ो क्योंकि सब कहते झूठ बोल जाएंगे संत तो सब कुछ करते हैं सब बताते हैं किसी को अब मैं सोचता हूँ फकीर चंद तूने चुरा के खोला कहते हैं अच्छा किया या बुरा किया एक तरीके से बुरा किया और एक तरीके से अच्छा किया बुरा इसलिए किया तुम लोग सहारा चाहते हो मेरी साथ देने से तुम्हारे झूठे सारे झूठे इसलिए मैंने बुरा किया मगर ये झूठे सारे झूठे चाहिए आज तुम एक किसी ने करामात कर दी तुम उसके पीछे दौड़े उसकी सेवा की कल को क्योंकि तुम्हारा अज्ञान से प्रेम है कल को अगर कोई उसकी बात कभी पूरी ना हुई या तुमको कोई तकलीफ हो गई तुम्हारी मदद ना हुई तो तुम उस जहां तुम्हारा विश्वास है वहां गाड़ी निकालोगे निकालते हैं लोग वहां गाड़ी निकालोगे अच्छा मैंने इसलिए किया कि व्यक्तियों को दुनिया को सच्चाई बता चला जिस पर विश्वास करना वो तुम्हारे अंतर रहता है बाहर नहीं रहता कोई ताकत तुम्हारी मदद करने वाली बाहर से नहीं आती तुम्हारे अंतर ही सब कुछ है अगर तुम सच्चे बन के पुकार करो खुद बहुत कोई ना कोई कुदरत तुम्हारी रबरी करेगी तुम्हारी मदद कर जाएगी यह जो मैं कहना चाहता हूँ आप आते हैं अब वो झंडा लाई है ले आइए घर अच्छा अब वो झंडा ला के मैं राम कृष्ण को दूंगा तुम्हारे छोटे भाई बोला ना बाहर जो 700 रुपए की वो चीज है मैं नहीं रखूंगा मेरे पास इतना मैं उठा नहीं करूंगा तुम्हारे कुल में कपड़े दिए मेरे नाम के सब मंदिर में दे दिए मेरे नाम जो उनके कुड़मों ने
शांति आई तो मेरा नाम ही अपन मैं नहीं कहा फरूंगा मर जाने। हाँ अगर कोई अगर ज्ञान मान मैं जो देते मुझे मम्मा से मोह लाइ मुझे मर नहीं देते मुझे कोई दुख नहीं बोला है ना मान नमा से मोह लाए क्योंकि मैं जानता हूँ अब अज्ञान में नहीं देते ज्ञानदारी को भी अब अज्ञान में नहीं है समझे मेरा मजे तो जीवों के अज्ञान का नाजायज हम लोगों ने फायदा उठाया इसलिए कबीर ने बिल्कुल ठीक कहा कि कलयुग के गुरु सभी सरपंच हैं और जब सरपंच चला जाता है फिर गुरु का रूप नजर आ जाता है। अब गुरु का रूप बहुत उत्पाद मैंने आपको सरपंच की सबूत दे दिया कोई मैंने झूठ बात नहीं कही बाजे वक्त तुम ये मैं खुद सोचता हूं कि मेरा कहा हुआ पूरा क्यों हो जाता मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं एक सबूत मेरा अंतर और बाहर एक कपट नहीं छल नहीं धोखा नहीं करेगी तो कबीर ने कहा है सांस बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जिसके हृदय सांस है किसके हृदय आप क्योंकि मेरे अंदर में बिल्कुल सच्चाई है तो जो बात होने वाली होती है वो मेरे मुंह से निकलती है जो बात होने वाली होती है वो मेरे मुंह से निकलती है वो पूरी हो जाती है ये नहीं कि मैं करता हूँ ऐसा होना ही था होना ही होता है मेरे मुंह से निकल जाता है मुझे खिलाड़ी मिल जाता है और मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि बात क्या दादा दादी काम की मैंने वहां उठ के कह दिया दादा जी भी काम उधर जाएगी उधर भी मैं हैरान अब मैं आसोस भी करता हूँ मैंने क्यों कहा कि होने वाली बात होती है मेरे दिमाग में आ जाती है मैं मुंह से कह देता हूँ बाकी जो कुछ तुम लोगों को मिलता है जो तुम्हारा विश्वास है तुम्हारी श्रद्धा है तुम्हारा यकीन है अगर यकीन रखोगे तुम्हारा काम बन जाएगा मैं ये नहीं कहता तुम मुझ पर जहाँ तुम्हारी मर्जी यकीन रखो मैं तो पखंडी कलयुग के गुरु सरपंच ही नहीं बनना चाहता बिल्कुल तो इस सरपंच को छोड़ने से मुझे क्या मिला मैं गुरु के दर्शन में ले गया पर गुरु का स्वरूप क्या है देखा 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 अगम गोचर रूप गुरु का गुरु की दया से देखा तो मैं ये कह दूं अगम गोचर रूप गुरु का तुम्हारी दया से देखा क्या तो मूल कारण तो दादा जा रहे अगर वो जो काम न देते तो अरे तुम पूर्ण में हो तुम किसी 10 नंबर बदमाश को गुरु बना के खड़ा कर दो उसके ऐप ना बताओ तुम्हारा विश्वास उसका रूप तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा अयोगी का अनुरूप लोगों के अंदर प्रकट होता है उन्हें सूचना दी जाती है लूट लिया इन गुरुओं ने हमको हमको बेवकूफ बनाया इसी वास्ते तो मैं इस संसार में अवतार लेके आया कि बता जाऊं कि सच्चाई क्या नहीं क्या है दो मैं नहीं कहता ना दो दो उसकी कीमत करो हमारे हुक्म है किसको ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे मगर गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ न दे आप समझे शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे मगर गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ न दे मैंने तो अब अकेले किसी को नहीं बनाया अगर मैं ले भी लूँ तो मुझे पाप कोई नहीं किसी को मैंने केला बनाया हुआ हो तब तो मैं उसे लूँ तो मुझे कोई पाप है नहीं समझ में आती है तो मैंने वो गुरु का रूप क्या देखा पढ़ो अब तुम देखो मुझे सोचना चाहिए पुरुषोत्तम दास मैं जो काम करता हूँ मैं अपनी आत्मा को सच्चा बना के जाना चाहता हूँ सोचता हूँ क्या ये ठीक है
कैसे ठीक है कि जब मैं जब से तुम लोगों ने सुना कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर होता मैं नहीं होता तो मैं राई की तलाश में प्रकाश में जाकर या शब्द में जाकर उस चीज की तलाश करता हूँ जो प्रकाश को देखते शब्द को देखते जब मैं वहां होता हूँ तो मेरे दिमाग से दिमाग ही रूप समझे दुनिया की तरफ से फेल हो जाता है। यही पता नहीं होता भी एक भी कोई राम भी है या कि नहीं। इस वहां से मैं कहता हूँ वहां एक भी नहीं है वहां अनेक भी नहीं है। तो क्या मतलब हुआ हम सब का आज क्या है एक ऐसी अवस्था है वो इसमें छोड़ना को हम सब का वो ही है सबका सबका आज कहूँ और स्वामी अकेला पार अगार अनामी सबका लिखा वो स्वामी ने सबका आज कहूँ और स्वामी अकेला पार अगार अनामी। तो हम सबका घर वो है हम वहां से प्रगट हुए हैं और यहाँ आगे फंस गए। अगर हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए सत्संग। जब तक वैराग नहीं है कोई फायदा नहीं। इस वास्ते ये जो मारे गए संतों का ये आम दुनिया के लिए नहीं है ये तो सब बूढ़े आदमी को चाहिए जो मरने वाले हैं। दुनिया देख ली अब सब ने जाना कि एक ने रहना तो है नहीं ना राजा रहा ना राणा रहा ना कोई किसी ना संत रहा ना परम था सब ने चले जाना। तो जिनकी आखिरी उम्र आ गई है उनको चाहिए सोचना तो हमने दुनिया देख लिया सारे कारोबार सब देख लिए अब भाई मुर्मुर के कमी है ना तो फिर उनके लिए दुनिया के लिए वेद मारे तुम्हारा ख्याल में ताकत है संकल्प में ताकत है जैसा तुम्हारा ख्याल वैसा तुम्हारा हाल जैसे तुम्हारी मती है तो एक अनेक नहीं है। मैं क्यों कहता हूँ इस तरीके की बना पर कहता हूँ आगे पास नहीं और देख नहीं है सब का हो गया लेखा। ये पक्ष भी नहीं है चेक भी नहीं है जो किसी करूँ आगे दादा जाके चेक रहता था वो तो छूट गई प्रकाश और शब्द की चेक रहता वो भी छूट गई ना चेक रही और ना ही अब पक्ष रह गया पैसे भी नहीं रह गया पता लग गया कि सही क्या थी। आगे सत्य सत से न्यारा पाया ज्ञान ध्यान से रहा लगाया वह काम वह अगमे माया अद्भुत रूप करेगा। अब वो अद्भुत रूप कौन सा है किस गुरु का रूप है तुम्हारा अपना अपनी रूप है अपनी तुम्हारा जो सेल्फ है अपना रूप ये वो ही है। तो जब जहाँ चला था कभी मैं आज सुबह समाधि में भी था रात को भी था होश ही नहीं रहती मुझे ये भी पता नहीं होता मैं हूं भी जाती नहीं इस दुनिया दुनिया सब सब भूली रहती है ना अभ्यास है ना चंद्र कमर है ना चित्र भी है ना चंद्र है ना मास है ना सब खत्म एक अवस्था दिमाग के अंदर पाई जाती है। मैं नहीं कहता कि जो कुछ मेरी अवस्था है ये ठीक है प्रशोधन दास या गलत ये मैं नहीं कहता। मेरी खोज का ये इंजाम हुआ मैंने प्रण किया था अपना अनुभव क्या जाऊंगा क्योंकि वाणी के साथ मेरा अनुभव मिलता है इसलिए मैं वाणी को सत्य मानता हूँ। अगर आज मेरा अनुभव इनके साथ न मिलता तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता मैं दादा दाल के बरकरार भी आवाज दे जाता यदि तो चाहती तो दादा दाल के बरकरार भी कह जाता मगर अब मैं मजबूर हूँ मेरी जिंदगी के साथ जो भी मैं कहता आगे कैसे नहीं है ये सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से पूछना कहता हूँ है क्यों जब मैं वहां चला जाता हूँ वहां मुझको कौन ले जाता है तुम ले जाते अगर तुमसे ये मैं ना सुनता कि मैं तुम्हारे अंदर जाता हूँ तो मुझे ये ज्ञान ना होता तुम लोगों को सुनने में सिर्फ एक ख्याल मैं तो जाता नहीं भाई जाता कौन है
तो मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ जाता है वो हर शब्द का अपना ही मन है, तो मैं अपने मन को छोड़ जाता हूँ। जब मन को छोड़ जाता हूँ आगे प्रकाश है, आगे शब्द है, उसमें जो मेरा अपना सेल्फ है उसकी तलाश करता है, उसकी जब वो अकेला हो जाता उसकी याद होता है। ना वो हरकत करता है ना वो भी हरकत है, क्या है क्या नहीं, बस उसके लिए जुबान कोई नहीं, कैन बैन गूंगे का गोला। तो मैं किस लिए पढ़ाया, हम कौन है, तत्व है क्या है किसी को पता, न कबीर को न दाता जा को न मुझ को न वेदन विष्णु को, वो है इतनी हेलो होती है हम बन जाते हैं। ये जंतु सूर्य चांद कितनी छोटी हमें सुना जाती है, इस ज्ञान से मुझे शांति मिली, इस ज्ञान से मुझे शांति मिली है और कुछ नहीं मिला। बाकी जाए आए जिसके मैंने लेना मैंने ले लेना, जिसको मैंने देना मैंने ले लेना, तुम देते रहो तुमको मिलता रहेगा। मैं देता रहता हूँ, मैं देता रहता हूँ बचपन से, मुझे मिलता रहा बस दुनिया के जीने के लिए। देते रहो, धन नहीं है धन दो, इज्जत नहीं है इज्जत दो, प्रेम नहीं है प्रेम दो, अगर दुश्मनी लेनी है किसी दूसरे को दुश्मनी क्या करो दुश्मनी, एक संसार का व्यवहार है, जो दोगे वो लेगे। सच्ची बात मैंने बता दिया, कोई चीज आगे भूल भरम में पड़े जग के मत भोले ज्ञानी बेटा। अब देखो, अब जो उन्होंने कहा सारे ये दाता दाल के शब्द है, वो कहते हैं सारे भूल गए, मैं दुखी हुआ करता था कैसे भूल गए, अब पता लगा भूल गए, भरम में आए हुए हैं, आंखें खुल गई, बात समझ में आ गई। अब तो यही दाता से प्रार्थना करता हूँ दाता कि हमेशा के लिए चला जाए, बखेरा को चीज कर दिया देख दिया काम भी कर चला, अब क्या लेना तुमने, एक दिन तो चले जाना और गोश आ दिया तो फटे और खाऊंगा, ये सच्चाई है। समय का प्रशोधन दास आगे नहीं सुख रोग न होते दुखारी ये। सुख सुख मानने वाला तो चेतनता हमारी है, वहाँ चेतनता खत्म होगी दुख किस को तो सुख किस को, ये करनी का भेद है ना ही बुद्ध विचार, कथनी तद करनी करे तब पावे कुछ क्या। हम लोग तो सारी जिंदगी द्वेष में फंसे रहे, कोई राम के रूप में फंसा रहा, कोई कृष्ण के रूप में फंसा रहा, कोई शिव जी के रूप में फंसा रहा, कोई सुखीर जान के रूप में फंसा रहा, आगे तो गया ही कोई, सब गई गए। अब बहुत अगो होया तो कुछ हम ब्रह्म कह देता, बहुत आया था प्रकाश देख लिया शब्द मगर लग गए, वो तो अशब्द गति है प्रकाश गति है, वो आग है हमारा, बस ये यहाँ आके मुझे मिला क्या, मैं सोचता हूँ कि मेरी बहनें हो लड़कियाँ हो माताएं हो बड़ा हो वीर हो, मैं तुमको धोखा नहीं देना चाहता, और ना मैंने ये काम किया है सिर्फ अपने किसी जाति गलत के लिए जाति मतलब के लिए नहीं किया मैंने, ना दिल में एक तरह थी देखना चाहता था, क्योंकि आर्डर था दाता ने तालीम बदल जाए, कामी करे क्रोधी करे पापी करे अनंत आन और पाते तो सिर्फ धन करे ना नाम रोशन। मैंने इस शांति को राधा स्वामी मत के दाता जाल के ब्याह से आप लोगों के ब्याह से पाया है, अगर मैं आप लोगों का एहसान नहीं मानता आप लोगों का हुक्म नहीं मानता, मैं सिर्फ धन हूँ ना शुक्रा हूँ, तुम्हारी बच्चों ने मेरे माँ बाप ने हमको पाला हमको पढ़ाया, कहने का मतलब मेरा नहीं, अगर हम बड़े होकर के उनके ना शुक्रे हैं हम मुजरिम हैं, ना शुक्रा होना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं ना इसलिए मैंने काम किया, वरना मुझे अपनी कोई जाति गलत तो है नहीं थी, मगर इस काम से मुझे फायदा था। दाता जब बुद्धल बाहर ने कहा था फकीर तुम में अभी कमजोरियां हैं, मेरा हुक्म मानो इस सत्संग से तुम्हारी कमजोरियां पूरी हो जाएंगी, अब हो गई अब बात समझ में आएगी, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि अगर मैं दुनिया में ना फंसा
क्योंकि मेरा ही छूटेगा कहाँ जाऊंगा, मेरी जो मैं वो तो मर चुकी, ना मैं पहले था ना मैं पीछे रहूंगा। एक सत्य था पहले बुलबुला उसमें पैदा हुआ, किसी ने समझा गया समुद्र में द्वार फाटा आया बुलबुला पैदा हो उसी में चला गया, खत्म हो गया, ना कोई मुक्ति ना कोई बंध ना कोई कर्म ना कोई कर्म, खत्म हो गया क्या आ गया। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी यज में अगाध लेखा। ये कुछ कहाँ से मेरा राधा स्वामी की चरण की शरण, लोग इन चरण की शरण ले दीवानियों, ये चरण नहीं यहाँ बैठ के सत्संग में यही गुरु सेवा जो तुम कर रहे हो। अगर तुम सत्संग में पूरे ध्यान से सुनते हो, बात को सुन के घुनो समझो, इससे ज्यादा और सच्ची गुरु सेवा कोई नहीं। बाकी रहा धन देना पैसा देना, ये संसार का व्यवहार है। धन दोगे धन मिलेगा, पैसा दोगे पैसा मिलेगा, नहीं समझ में बुना होगी भूखा तेरे धन का कर तेरा उपकार करावे, भूखे नंगे को दिलवावे उनकी दया मेहर तू पावे, ये संसार के व्यवहार के लिए। अगर मैंने अस्पताल खोल दिया तो कौन सी मैंने देखो काम का पैर लगा दिया तो ये खुले हुए हैं। ये तो जिंदगी गुजारने का तरीका है, जहाँ हम रहते हैं मकान भी चाहिए रोड पीते भी चाहिए, ये और बात है, मगर असली गुरु भक्ति ये है। अगर पैसे देना ही सिर्फ गुरु भक्ति होती तो ये बड़े बड़े अमीर आदमी जो पैसा दे के कर जाते, ये बात पैसा दोगे पैसा मिलेगा, ये नहीं कि मैं ये उसके बरकरार हूँ, मैंने दिया हुआ मुझे मिलते हैं, मैंने दिया हुआ है मुझे मिलते हैं, मुझे जहाँ देखता था मैं लाहौर में गया जाता है क्या तम्बाकू डाले, अब मैं मिली नहीं, मैं अपनी पगड़ी गई मैं पारी पार के आग लगाई तम्बाकू पा के रख देता रख देता, मैं अंदर देखता जी उन्हें क्या दादा डालने के मैं अपनी पगड़ी पार के आग लगाई, मैंने कहा पगड़ी पार आग बनाएंगे पगड़ियाँ मिल गई या नहीं बिखेरियाँ, तो मैंने बिखेरियाँ पगड़ियाँ मिल गई। वो तो जो तुम सेवा करोगे तुम्हें मिलोगे, तुम सेवा नहीं करोगे तुम्हें मिलेगा क्या, दोगे नहीं दोगे क्या, ये दुनिया कहाँ आया, ये नहीं मैं कह रहा तुम दो नहीं दो, मैं नहीं कह रहा तुम मुझे दो ना, किसी दुखियों की मदद करो, मैं भी यहाँ दुखियों की मदद करता हूँ और है क्या, पैसे ने तुम्हारे साथ नहीं जाना, दौलत ने नहीं जाना, ये तो सब यहीं जा जाएंगे, किसी के साथ नहीं जाना, सब यही रह जाए बात ऐसी क्या, तो ऐसा किया करो। बाकी रह गया मेरे जब मैंने जू की थी मैंने पूरी कर दी, मैं जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ, खुशी जानती हूँ मछली का जाए तू क्या कर सकता है, मेरे पास शुभ भावना है क्योंकि लोग आते हैं सच्चे दिल से चाहता हूँ तुम लोगों का मनोकामना से तुम लोग सुखी रहो, ये मैं चाहता हूँ। अगर तुम्हारे ख्याल में ताकत है तुम अपने मन से मुझे बना करके गाय के ऊपर छापी दुआ सकते हो तो मेरे मन में भी ताकत होनी चाहिए, मैं अगर चाहता हूँ तुम्हारा कल्याण हो तुम्हारा कल्याण होना चाहिए, क्यों ना होना चाहिए। जब तुम लोग अपने ख्याल से मुझे बना के काम कर देते हो इसका मतलब तुम्हारे मन में ताकत है, तो भाई मैं भी तुम्हारे जैसे आदमी हूँ, मेरे भी मन में ताकत है, तो मैं क्या करना करता हूँ, तो मेरे पास जो भी आदमी आता है सच्चे दिल से मैं ये चाहता हूँ दादा तुमने काम किया था इसका काम पूरा हो जाता, जो लोग विश्वास करते हैं उनके काम हो जाता है, मुझे हम लोग आपकी कर दिया बहुत कुछ।